बाढ़ का खतरा, जल तांडव का डर, आफत में फंसी जिंदगी, कुछ इस तरह बीत रही थी आजम नगर के लोगों की जिंदगी। लेकिन आपके अपने न्यूज लाइफ ने महानंदा तटबंध पर स्थित स्पर संख्या 56 के पास जियो बैग के क्षतिग्रस्त होने की खबर चलाई तो उसके मरम्मत का काम भी तुरंत शुरू हो गया। आजम नगर बाजार के पास संवेदनशील पॉइंट रहने के कारण गड्ढे में बदल चुके जियो बैग की मरम्मत किए जाने की परसों से मांग हो रही थी। इस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाई भी। इसका असर ये हुआ कि अब बांध को ठीक करने का काम शुरू हो गया और उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी। उधर इस कार्य के शुरू होने के बाद लोगों में खुशी की लहर है। वहीं कनीय अभियंता राहुल कुमार ने बताया कि फ्लड फाइटिंग की राशि से संवेदनशील पॉइंट पर मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। साल 2018-19 में तटबंध सुरक्षात्मक कार्य के तहत स्पर संख्या 56 के पास जियो बैग कैटरिंग कार्य कराए गए थे। बाढ़ के समय जियो बैग क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण कई जगह गड्ढे हो चुके थे, जिसकी लगभग 40 से 45 मीटर मरम्मत कार्य आरंभ कर दी गई है। तो 56 संख्या के अप में लगभग 30 से 40 मीटर के लेंथ में गेबियन घसकने का सूचना मिला था, तो उस पर हम लोग एनसी बेस करके उसको दुरुस्त कार्य कर रहे हैं। लगभग 40 से 45 मीटर का लेंथ है, उसमें जितना बोरा लगे जहाँ जहाँ पे गेबियन में गैप है वहाँ वहाँ पे उस जगह को एनसी बैग से फिल किया जा रहा है। अब इस प्रश्न के 56 के अप साइड में इस कार्य के शुरू होने के बाद हजारों की आबादी को राहत मिली है और लोग अब चैन की जिंदगी जी पाएंगे। जयप्रकाश भगत, न्यूज लाइफ, आजम नगर।